हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया व्लॉग। सो गाइस, ह्युंडई ने एक्स्टर लॉन्च कर दी है। आज का व्लॉग इस गाड़ी के ऊपर होने वाला है। कैसी गाड़ी दिखती है, क्या पावर ट्रेन में अवेलेबल है, ट्रांसमिशन कौन कौन से मिलते हैं और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं सेम टाइम पे। थैंक्स टू रोशन मोटर्स जिन्होंने मुझको ये गाड़ी अवेलेबल कराई और कहा कि जोजो आपके सारे व्यूअर्स क्यों जल्दी से एक्सक्लूसिव कंटेंट दो। अगर आपको भी इस गाड़ी का लाइव एक्सपीरियंस करना है तो आप रोशन मोटर्स आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ह्युंडई के जितने भी रोशन मोटर्स के आउटलेट हैं, हम उनका सबका एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो जाओ और गाड़ी का एक्सपीरियंस लेकर आओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको ह्युंडई एक्स्टर के एक्सपीरियंस पे। सो भाइयों, पेश करते हैं ह्युंडई एक्स्टर। सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से, कुछ इस प्रकार की। जो टिपिकल ह्युंडई की चाबी है वैसी की वैसी आपको कीज मिलती है। सो की के अंदर आपके पास में यहाँ पर लॉक अनलॉक और साथ के अंदर आपका जो पीछे का ट्रंक है उसको ओपन करने के लिए आपको बटन मिलता है। तो यहाँ से आपकी गाड़ी हुई लॉक। लॉक होने के साथ ही ये हमारे पास में जो SX वेरियंट है वो है और इसके अंदर जैसे ही आप लॉक करते हो वैसे ही ORI VM अपने आप फोल्ड हो जाते हैं और जैसे ही आप अनलॉक करते हो वैसे ही कुछ इस तरीके की आपको साउंड आती है। अगर आप ये साउंड नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों जो बटन है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर आप इन दोनों बटनों को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो यहाँ लाइट जली। अब मैं अनलॉक करूँगा, कोई भी यहाँ पर मेरे पास शोर शराबा नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको पता चले, लाइक मैं अगर मेरी बात करूँ ना तो मैं तो चाहता हूँ, ये देखो वापस सुनाई देगी, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी में मुझको लॉक अनलॉक करने पर आवाज़ आए। तो गाड़ी की दोनों जो कीज़ हैं उनके अंदर आपको सारे बटन मिलते हैं, ऐसी कोई डमी की आपको नहीं मिलती, अच्छी खासी आपको की में क्वालिटी मिलती है और साथ के अंदर हल्का सा आपको क्रोम फिनिश मिल रहा होता है। ये तो रही की बातें, अब शुरू करते हैं गाड़ी के कलर से। सो भाई लोग, मेरे पास में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों की दोनों गाड़ियाँ सामने की तरफ खड़ी है। मैं इस कलर का ना भारी फ़ैन हो गया। मतलब देखा जाए ना तो ये वाला जो कलर है ना, जो आर्मी ग्रीन कह दो, ग्रीन कह दो, जो भी कलर कहो, ये कलर जो है ना भाई साहब, अगर मुझे अलाउ होता ना तो सबसे पहले मैं मेरी गाड़ी पे ये वाला कलर कर रहा था। सेंटर में हमारे पास ह्युंडई का बहुत ही खूबसूरत लोगो है। अब जो भी अपकमिंग मॉडल्स ह्युंडई के आ रहे हैं उन सब में कुछ इसी प्रकार का आपको लोगो मिल रहा होता है। लोगो के जस्ट नीचे की तरफ आपके पास में एक्स्टर लिखा हुआ है और साथ के अंदर स्पेसिंग दी हुई है, तो ये एक ट्रेंड बन चुका है और अच्छा है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। साथ के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। सेंटर में हमारे पास में यहाँ पर एक बिल्कुल एक लाइन सी चल रही है, मतलब प्लास्टिक एलिमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो ये आएगी ना उसके अंदर इसको भी एक रनिंग सीधी की सीधी एक सिंगल लाइट में दे देंगे। ये वाला जो वेरियंट है गाइज, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि इसको DRL बना देना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। ये वाला जो वेरिएंट है, ये गाड़ी इस हिसाब से उन लोगों के लिए डिज़ाइन करी है जो कि कहीं से भी अपनी गाड़ी को लेकर चले जाएं, कम्यूट करने में, पार्क करने में उनको आसानी रहे। और अगर मैं इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मानूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पंच जो गाड़ी है इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा। नीचे की तरफ हमारे पास में इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्रंट की ग्रिल है, पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ ये कुछ ग्रिल का एलिमेंट। और आप जानते हो ह्युंडई ना ऐसे प्ले करती रहती है डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर। नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास रिकवरी पॉइंट आ गया और उसी के नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत स्किड प्लेट है फ्रंट के अंदर। अब इसे स्किड प्लेट के ऊपर बात करेंगे मगर उससे पहले DRL दिखा देते हैं। तो ये जो एच शेप है, इस एच शेप में आपको गाड़ी के अंदर DRL मिल रही होती है। अभी आपको हल्का सा अंधेरे में ये लाइट की रोशनी भी दिखाएंगे। सेम टाइम पे हैलोजन बेस हमारे पास यहाँ पर गाड़ी के अंदर जो इंडिकेटर्स है वो मिल जाते हैं और दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सेम टाइम पे इसके अंदर हल्का सा पियानो ब्लैक एलिमेंट आपको अंदर की तरफ भी देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ सिंगल आपके पास में प्रोजेक्टर बेस हैलोजन बेस आपके पास में यहाँ पर लाइट मिलती है। वाई हैलोजन ब्लू व्हाइट कलर की जगह ये हमारे पास में येलो कलर की लाइट मिल रही होती है और प्रोजेक्टर बेस हमको मिलता है। क्रोम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और उसी के साथ में अंदर की तरफ जैसा यहाँ एक एलिमेंट है ना डिज़ाइन एलिमेंट, वैसा ही यहाँ पर आपके पास में डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपको दिख रहा हो रिफ्लेक्शन की वजह से ना, आई होप ये अच्छी तरीके से ना जज नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास में वैसा एलिमेंट मिल जाता है। उसी के साथ में लाइट के नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास में हल्का सा प्लास्टिक एलिमेंट मिलता है जो कि डिज़ाइन एलिमेंट को और ज़्यादा कंप्लीट करे। रोशनी का थ्रो अच्छा है, हाई बीम लो बीम आपको सिंगल में मिल रही होती है, कोई भी आपको फॉग लैंप एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। उसी के यहाँ पर रिकवरी पॉइंट आ गया और नीचे की तरफ जो आपकी स्किड प्लेट है इसमें ना कंपनी ने छुटकू सा डिज़ाइन एलिमेंट दिया है
जो कि जैसे स्क्रू होता है ना, अलग से स्क्रू लगे हुए, कि अलग से कोई मेटल पीस लगा हुआ है, वैसा डिज़ाइन एलिमेंट है, मगर ये कोई स्क्रू वगैरह नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट का है। अब गाड़ी जब आप देखते हो फ्रंट से, तो आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना स्लीक क्यूट सी कार दिखेगी, साइड से जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी गाड़ी दिखेगी। कमेंट करके बताना कि ये डिज़ाइन एलिमेंट आपको कैसा लगा। अब गाइस, जैसे आप यहाँ से साइड में चलेंगे, वैसे ही आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ की आपको व्हील आर्चेस दिखेगी। सो प्लास्टिक के अंदर ये जो आर्चेस है ना, ऐसे आपको किसी और गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगी। इवन ऊपर का जो पैनल है वो ख़त्म होने के बाद में नीचे तक आपके पास में व्हील आर्चेस ही दिख रही होती है। आगे की तरफ यहाँ पे मड फ्लैप लगे हुए हैं, साथ ही के अंदर गाड़ी के अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, क्योंकि लोअर वेरिएंट में हो सकता है स्टील रिम भी आए, पर हमारे पास जो वेरिएंट है उसके अंदर यहाँ पर अलॉय व्हील्स हैं। फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। गाड़ी की अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करो तो कुछ इस तरीके की आपको दिख रही होती है। बहुत ही बड़ी साइज़ के आपको गाड़ी के अंदर ORVM मिल जाते हैं, और मतलब अच्छी खासी इनकी साइज़ है। हम गाड़ी अनलॉक कर लेते हैं। अब ORVM जो है, इन्हीं पर आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, साथ ही के अंदर बहुत बड़ी साइज़ के आपको विंडशील्ड मिलती है, और ड्यूअल वाइपर आपको फ्रंट में सेटअप मिल रहा होता है। विंडशील्ड फ्लूइड जो है उसके लिए ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर आपके पास में पॉइंट्स हैं, और कुछ इस तरीके से आगे की तरफ ना ब्लैकआउट एलिमेंट है, ताकि ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक सिंगल पीस आपको फील दे रही हो। साथ के अंदर आपके पास में ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर आ रहा होता है, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो वैसे ही आपका जो दरवाज़ा है वो स्टेप्स के अंदर खुलता है। सो पहली चीज़ ये हो गई, अंदर के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। जैसे आप यहाँ से पीछे की तरफ चलोगे, वैसे ही सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे एक रूफ रेल। सो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पियानो ब्लैक के अंदर खूबसूरत दिखने वाली आपको रूफ रेल मिल रही होती है, और साथ के अंदर ऊपर की तरफ मिल जाता है यहाँ पे सनरूफ। सो यस, आज के ज़माने में ना सनरूफ होना इज़ लाइक कूल, हर गाड़ी में होता है, हमको भी चाहिए वैसे वाली सी चीज़ है। जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो इस गाड़ी के अंदर, मुझे एक बहुत अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट लगा, जब भी आप दरवाज़ा खोलते हो ना तो पता होता क्या, ये जो एज होती है ना, ये कई बार आपसे भिड़ रही होती है, और देखा जाए तो वो शार्प एजेस है गाड़ियों के अंदर, आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते हो, मगर इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर मुझको लगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट दरवाज़ा है, तो जब आप इसे खोलते हो तो ये बहुत सारी जगह आपकी नहीं कवर कर रहा होता है। दरवाज़ों में वज़न भी अच्छा है, मतलब ऐसे कहते हैं ना ड्यूरेबल दरवाजे, वैसे आपको फील दे रही होती है। साथ के अंदर आपके पास में ये वाला जो ग्लास है, इसकी भी अच्छी खासी आपको साइज़ मिल जाती है। जैसे आप यहाँ से पीछे चलते हो, वैसे ह्यूंडई का वैसे भी आप जानते हो ट्रेंड है, तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहा होता है। तो जैसा फ्रंट की ग्रिल है, वैसा ही यहाँ पर आपके पास में पियानो ब्लैक एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और देखा जाए तो इससे ना इस गाड़ी की डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पीछे की तरफ जैसे कि हम बात कर रहे थे, गाड़ी के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिल रहे होते हैं। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं, तो गाड़ी के अंदर आपको 175/65 R15 के टायर्स मिल रहे होते हैं। हो सकता है लोअर वेरिएंट में कोई दूसरी साइज़ हो, मगर इस गाड़ी के अंदर आपको ये वाला जो टायर साइज़ है वो मिल रहा होता है। गाइज, अभी तक ना हमारे पास में पूरी की पूरा डेटा रिवील नहीं हुआ है, क्योंकि ह्यूंडई ने हमको गाड़ी नहीं दी है, रोशन मोटर्स ने दिए, जिसकी वजह से कल जब गाड़ी कंपनी लॉन्च करेगी तो हम क्या करेंगे, इसका ड्राइव एक्सपीरियंस जो बनाएंगे उसी के साथ के अंदर बाकी सारे के सारे जो टर्म्स है वो भी सारे के सारे कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। सो ड्राइव एक्सपीरियंस के लिए आपको छुटकू सा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से पीछे की तरफ चलोगे, वैसे आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत गाड़ी के अंदर शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आके ख़त्म हुआ। उसी के साथ में ऐसा मैंने किसी और गाड़ी के अंदर स्पॉइलर नहीं देखा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में आपको यहाँ पर एक स्पॉइलर मिल रहा होता है। ब्लैक एलिमेंट आपके पास में एडेड है, बहुत ही ज़्यादा कंपनी ने इस बात का ध्यान दिया है कि कलर और ब्लैक कलर दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप लगा हुआ है, उसी के साथ में यहाँ छुटकू सा विंडशील्ड फ्लूइड का पॉइंट है। पीछे की तरफ आपको गाड़ी के अंदर डिफॉगर मिल जाता है, और साथ के अंदर यहाँ पर मिल जाता है आपको रियर वाइपर, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है आज के टाइम जो बारिश का जो ज़माना है उसके अंदर ना, मतलब अभी भी देख लो बादल हो रखे हैं, उसके अंदर ना अगर रियर वाइपर होता है ना आपकी गाड़ी में, तो बहुत ही ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी को एनहांस कर देता है। पीछे से आपकी गाड़ी कुछ इस प्रकार की दिख रही होती है, सेंटर में हमारे पास ह्यूंडई का लोगो, और साथ के अंदर वैसी की वैसी जैसे फ्रंट के अंदर आपका डिज़ाइन एलिमेंट था, वैसा ही हल्का फुल्का ये जो डिज़ाइन है
ये आपका पियानो ब्लैक के अंदर आपको पीछे की तरफ दिख रहा होता है, साथ ही के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके की दिखने वाली आपको टेल लैम्प दिख रही होती है जिसके अंदर एच बना हुआ है, और एच के अंदर आप जैसे आगे की तरफ देखोगे वैसे आगे भी आपको ऐसा का ऐसा एक एलिमेंट देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ भी गाड़ी के अंदर आपको कुछ इस तरीके का जो एच वाले एलिमेंट है वो देखने को मिलेगा। गाड़ी के जो टेल लैम्प है आपके हैलोजन बेस है। एसएक्स की आपके पास में राइट हैंड साइड बैजिंग और लेफ्ट की तरफ आपके पास एक्सटर की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बैजिंग। आप मुझे कमेंट करके बताना कि पीछे वाला जो फ्लैट लुक है ये आपको कैसा देखने में लग रहा है। गाड़ी में पीछे की तरफ आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, उसी के साथ में रियर में आपके पास में यहाँ पर आपके पास कैमरा का मॉड्यूल लगा हुआ है, और नीचे की तरफ जो नंबर प्लेट है उसकी लाइट्स मिल जाती है। जैसे आगे की तरफ आपको गाड़ी को एसयूवी लुक देने की कोशिश करी गई है, वैसे ही गाड़ी में पीछे की तरफ भी आपके पास में यहाँ पे एक स्किड प्लेट है जिसके अंदर वही स्क्रू वाली आपको डिज़ाइन मिल रही होती है, और साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में छुटकू से दो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ ना गाड़ी देखने में, तो भाई साहब मुझे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। नीचे से गाड़ी कुछ इस तरीके की आपको दिख रही होती है। अब ये तो रही यहाँ की सारी बातें, अब बात करते हैं ट्रंक की। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास पॉइंट है, जैसे ही आपने पॉइंट दबाया वैसे ही आपके पास में यहाँ से जो हाइड्रोलिक स्टड बोल दो या कुछ भी बोल दो इनको उनकी मदद से आपका ये ऊपर की तरफ आ जाता है। दो शॉक एब्जॉर्वर या ये जो स्टड हैं ये आपके लगे हुए हैं, और उसी के साथ में पीछे की तरफ आपको बहुत ही मजबूत यहाँ पे एक पार्सल ट्रे देखने को मिलेगी। अब जो पार्सल ट्रे है ना गाइज, इसकी शेप ना थोड़ी सी यूनिक है, तो स्पेस तो है ही मगर आपको यहाँ पे एक यूनिक पार्सल ट्रे मिल रही होती है। उसी के साथ में ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है ताकि जब इसको आपको बंद करना हो तो आप यहाँ पर हाथ डाल के इसको बंद कर सकते हो। बहुत ही स्पेशियस आपके पास में यहाँ पे ट्रंक मिल जाती है, और ट्रंक के अंदर मिल जाता है आपको यहाँ पर एक लाइट। तो अगर आप रात के टाइम भी गाड़ी में कुछ सामान रखते हो तो आप थोड़ी भी परेशान नहीं होते, आसानी से अपनी चीज़ों को अंदर रख सकते हो। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टर जो कि चिपका हुआ आता है, मतलब आप ऐसे निकाल सकते हो और इसके नीचे की तरफ ये चिपकाने वाले आते हैं, जहाँ रखोगे वहीं की वहीं चिपका रह जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर हमारी गाड़ी में स्पेयर टायर हो चुका है। तो स्पेयर टायर की अगर मैं बात करूँ तो 165/70 R14 का आपको गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर मिलता है और स्टील रिम मिलती है। उसी के साथ में गाइस एक और बहुत यूनिक चीज़ मुझे लगी कि गाड़ी के अंदर यहाँ पर ना कुछ इस तरीके के हैंगिंग पॉइंट्स आपको मिल रहे होते हैं, तो बड़ी छोटी सी अंदर की तरफ दिखने वाली चीज़ें हैं, मगर अगर आप कोई भी सामान वगैरह रखते हो एक्स्ट्रा और अगर आप उसको बांधना चाहो तो आप बांध सकते हो, जो कि इन पॉइंट्स की वजह से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी और सॉर्टेड आउट हो जाती है। साथ के अंदर गाड़ी में यहाँ पर आपके पास में दो छुटकू से हुक मिलते हैं जिसके अंदर आप कोई सी भी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, बहुत सारा सामान नहीं रख सकते क्योंकि ये राइट के तरफ ही आपके पास में हुक है, और इस हुक के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है कि आप कितना वज़न इसके ऊपर कैरी कर सकते हो। देखा जाए तो एक अगर बेसिक छोटा परिवार की मैं बात करूँ ना तो उनके हिसाब से ये वाला जो स्पेस है ये मोर देन इनफ है। ये तो रही पीछे की बातें, अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ, और अब आप लोगों को बताते हैं गाड़ी में पीछे की तरफ क्या है। मगर उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एसी ऑन कर लेता हूँ। सो गाइस एसी ऑन कर लिया, आप ये देखो हालत हमारी बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड और क्रेजी वाली गर्मी पड़ रही है। अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को पीछे भी दिखा देता हूँ कि जैसे आपको आगे की तरफ व्हील आर्चेस की अलग डिज़ाइन मिलती है, वैसे ही गाड़ी में आपको पीछे की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक व्हील आर्चेस की डिज़ाइन मिलती है, और कुछ यहाँ पर आपके मड फ्लैप लगे हुए हैं। जैसे आप दरवाज़ा देखते हो अगेन पीछे वाला जो दरवाज़ा है ये आपका स्टेप्स में खुल रहा होता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपके पास में डिज़ाइन एलिमेंट है, और देखा जाए तो ये थोड़ा सा ना जैसे स्टेल्थ बॉम्बर है ना वैसी कुछ डिज़ाइन है यहाँ पर करीबी। पूरा का पूरा ऑल ब्लैक के अंदर आपको ये पैनल मिलता है, क्योंकि हुंडई में हम किसी बात की शिकायत कर ही नहीं सकते, जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो हरदम से ही बहुत अच्छी आ रही होती है। यहाँ पर हमारे पास लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म, उसी के साथ में पावर विंडो का स्विच, और वापस बंद कर देते हैं, और उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास थोड़ा कबी स्पेस जिसमें हम मतलब पकड़ भी सकते हैं और साथ में छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। एक छोटी नॉर्मल जो बॉटल आती है पानी की वो आप यहाँ रख सकते हो, और उसके साथ में जो स्पीकर है उनका प्लेसमेंट यहाँ पर है। जैसे ही गाड़ी के अंदर आप देखते हो वैसे ही आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल रहा होता है। भाई साहब अब जाके आई एम फीलिंग लिटिल बिट गुड, क्योंकि गाड़ी में फ्रंट एंड रियर एसी दोनों के दोनों वेंट लगी हुई है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर क्योंकि आगे सनरूफ लगा हुआ है इसीलिए हल्का सा यहाँ पर आपको एक हल्का फुल्का हम महसूस होगा, और उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास एक येलो रीडिंग लैम्प मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ हमारे ग्रैब हैंडल, और ग्रैब हैंडल के साथ में यहाँ पर हमारे पास कोट टांगने का पॉइंट। अब जैसे आप सीटों की बात करते हो वैसे ही गाड़ी के अंदर सेमी लेदराइट आपको अपोस्ट्रॉफी मिलती है,
अपोल्स्ट्री मिलती है और गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिल रहे होते हैं। बाहर की तरफ कोने पे लिखा हुआ है, अभी वो भी आपको दिखा देंगे। पीछे की तरफ गाड़ी के अंदर आपको 2 हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं जो कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साथ के अंदर पीछे वाली जो सीट है ये पूरी की पूरी 100% मतलब 40-60 नहीं 100% इस सीट को आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो, जिसके बाद में आपके पास जो लगेज रखने की कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। हम इसको वापस लगा देते हैं। सो गाइस, गाड़ी के अंदर आपको पीछे वाले जो सीट बेल्ट्स हैं 2 के लिए, तो जैसे मैं आपको बताऊं ये पीछे रह गया था इसके, सो आपको ये जो सीट बेल्ट है, मैं फिर से इसको आगे से कर देता हूँ, मैं आपको साइड वाले सीट बेल्ट दिखा देता हूँ। सो गाड़ी के अंदर आप भैया एक काम करो, आप एक बार इसको पकड़ लो, थैंक यू सो मच। सो गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2-pointer सीट बेल्ट मिल जाते हैं जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, और उसी के साथ में यहाँ आइसोफिक्स सीट माउंट मिल जाते हैं। ऊपर वाले हैंडरेस्ट जैसे हम बात कर रहे थे, ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो, और जो सेंटर वाला पैसेंजर है उसके लिए कुछ इस तरीके से अंदर से निकलने वाली आपके पास में सीट बेल्ट पॉइंटर है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। मतलब मुझे अच्छा लगा कि इस तरीके से अगर सीट बेल्ट पॉइंटर है तो वो होता है ना बीच में कहीं आते नहीं है, कई कंपनियां यहां पर दे रही होती है। अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो मैं एक काम करता हूं, अभी मैं आपको हेडरूम दिखाता हूं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि गाड़ी में आपको हेडरेस्ट कितना मिलता है। सो मैं 165 सेंटीमीटर का हूं, और जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं, भैया आप थोड़ा सा पास आइएगा, जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं, आप ये देखो आराम से बैठने पर भी मेरे पास बहुत सारा हेडरूम है ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्मल से तो बहुत ज़्यादा है, और अंदर की तरफ जब मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी बहुत सारा स्पेस है। अब हम क्या करते हैं, हम आगे वाली जो सीट है उसको हमारे हिसाब से एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि पीछे हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल होता है कंफर्टेबली बैठने के लिए। अब भाई लोगों, हमने एक बात सोची कि अगर मैं गाड़ी के अंदर मेरे साथ में मेरे टीममेट जो हैं, जो हमारे यहाँ पर भैया जो थे, उनको भैया को भी अगर मैं बैठा लूँ तो कितना अच्छा रहे। तो भैया एक बात बताओ, आपकी हाइट कितनी है? 5'4" और साथ के अंदर आपका नाम भी बताओ यार। जयसिंह राठौर। तो जयसिंह जी, भैया आज हमारे वीडियोग्राफर हैं, भैया मुक्का देना होता है हमारे वीडियो में। यस। सो भैया आगे की तरफ बैठे हुए हैं, और उसके बाद देखो गाइस, मेरे पास में बहुत सारा लेग स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लेग स्पेस। उसी के साथ में यहाँ पे हल्की सी कर्वी सीट्स है ताकि जब आप बैठो तो यहाँ पर ना आपके पैर जो है वो हल्के से और एक्सटेंड हो जाए। सेंटर में हमारे पास यहाँ पर एसी वेंट है, और प्रॉपर एसी वेंट है जहाँ से अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, यहाँ से आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हो। साथ के अंदर इसमें आपको हल्का सा सिल्वर एक्सेंट मिल रहा होता है जब आप नीचे की तरफ देखते हो, क्योंकि हमारे पास एक्शन कैमरा है तो हम ये भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो आप यहाँ से नोटिस करोगे कि यहाँ पर इसके अंदर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके बाद में अगर इसमें कोई USB वगैरह होता तो और अच्छा हो जाता। पर एनीवेज, गाड़ी जो है इकोनॉमिकल कॉस्टिंग की है तो कई बातें ब्रांड को भी ध्यान रखनी पड़ती है। नीचे की तरफ कंपनी ने इसके अंदर कुछ इस तरीके की फ्लोर मैट्स लगाई हुई, दे आर पार्ट ऑफ एक्सेसरी, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल अच्छी है, मुझे इसके अंदर मैटिंग लग रही है। कुछ इस तरीके से दिखने वाले हमारे पास में जो ग्रिल है स्पीकर की, वो एलिमेंट है गाड़ी में। यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी में 4 स्पीकर महसूस हो रहे हैं। सो चारों दरवाज़ों में आपको स्पीकर मिल जाते हैं। ये तो रही यहाँ की बातें, अब हम चलते हैं सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड और देखते हैं वहाँ क्या स्पेशल है। अब भाई लोग, हम चलते हैं सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड और दिखाते हैं आपको क्या क्या स्पेशल है। सबसे पहले बहुत ही बड़ा साइज़ का आपको डोर मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर वही बॉम्बार्डमेंट वाली जो डिज़ाइन है, जैसा स्टेल्थ है, स्टेल्थ प्लेन वाली कह दो, और अगर इसको देखते हो ना तो हल्का सा ये अलग से डिज़ाइन एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छा खूबसूरत दिखने वाली। साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास में डार्क ग्रे कलर के डोर हैंडल मिल जाते हैं, कभी स्पेस, और उसके साथ में पावर विंडो का स्विच। साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारे पास थोड़ा और स्पेस मिल जाता है, थोड़ा पीछे के कंपेयर में ज़्यादा, जिसमें बॉटल और चुटकू मुटकू सामान और हम रख सकते हैं। साथ ही के अंदर कुछ इस तरीके से दिखने वाली आपके पास ग्रिल एलिमेंट है, और मुझे तो दिखने में खूबसूरत लग रही है। जो आगे की तरफ मैटिंग रखी हुई है इनमें एक्सटर की, आपके पास में ब्रांडिंग मिल जाती है, और जो सीट है उसके अंदर आपके पास कुछ इस तरीके की पाइपिंग, डार्क कलर है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना खूबसूरत, आपके पास गाड़ी में सीट मिल जाती है। हेडरेस्ट जो है ये नॉन रिमूवेबल आपको मिल रहा होता है। एयरबैग की यहाँ पर ब्रांडिंग है, हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हम वापस उसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को। इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स जो हैं ये स्टैंडर्ड है, तो जो बेस वेरियंट है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होगी। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे अंदर, और अंदर बैठ के दिखाते हैं आपको गाड़ी में क्या क्या है स्पेशल। अब मैं क्या करता हूँ,
मैं सबसे पहले एक तो पंखा कम कर देता हूँ क्योंकि विंड ब्लास्ट की वजह से बहुत ऑड एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ पर आपके पास में ना, यहाँ पर आपके पास में जो रिक्लाइन करने के लिए जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। सो यहाँ से करी हमने सीट को हल्का सा रिक्लाइन कर लिया ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस मिल जाए। और उसी के साथ के अंदर अब हम कर लेते हैं गाड़ी बंद। सो फ्रंट के अंदर जब आप देखते हो तो बहुत ही बड़ा आपको जो डैशबोर्ड है वो मिल रहा होता है एयरबैग की। यहाँ पर आपके पास में हल्की सी ब्रांडिंग के भाई साहब एयरबैग लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। जैसा यहाँ पर आपके पास एलिमेंट है वैसा ही आपके पास में यहाँ पर कुछ एलिमेंट है डिज़ाइन में, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और खूबसूरत है। हल्का सा ना सैटिन पैटर्न है और मुझे तो सही बताओ ना, मुझे इन्हीं चीज़ों की वजह से ह्यूंडई बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप यहाँ देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि छोटे छोटे जो और एलिमेंट है वो बाकी जो वेरिएंट है उनसे भी लिए गए। तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाली जो एसी वेंट है ये कौन सी गाड़ी के अंदर आपको ह्यूंडई की देखने को मिल रही होती है। कुछ इस तरीके से राउंड आपके पास में वेंट है, आराम से अपना जो फ्लो है एयर का वो चेंज कर सकते हो और यहाँ से इसको बंद या चालू कर सकते हो। साथ ही के अंदर शीशों के ऊपर आपके डिफॉग ना हो इसलिए यहाँ पर आपके पास में पॉइंट मिलता है। ऊपर की तरफ जो आपका इंटीरियर है वो आपका हल्का सा ना, जिसे कहते हैं ना, व्हाइटिश कलर का मिल रहा होता है ताकि खुला खुला फील हो। ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ ग्रैब हैंडल, साथ के अंदर यहाँ पर अगेन लिखा हुआ आपके पास में कि एयरबैग लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। और उसी के साथ में यहाँ से आप अपनी सीट को आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हो। अब जब नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको मिलता है यहाँ पर और खूब सारा स्पेस। सो स्पेस मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड। मेरे पास में S23 अल्ट्रा है, आप आराम से आपका फ़ोन यहाँ रख सकते हो। अगर यहाँ कोई छुटकू सा पॉइंट होता है ना फ़ोन चार्ज करने के लिए तो भाई साहब मज़ा आ जाता, पर ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसी के साथ में यहाँ पर मिलता आपको बहुत ही बड़ी साइज़ का ग्लव बॉक्स, मतलब सही देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स है। और यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा पॉइंट है जिससे आप ठंडी ठंडी जो हवा है उसको गाड़ी के अंदर और बाहर दोनों तरफ कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर है। और उसी के साथ के अंदर आपके पास में यहाँ जब आप देखते हो तो गाड़ी के अंदर मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, दो छुटकू से आपको कप होल्डर मिल जाते हैं जिसमें आप कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हो। और साथ के अंदर आपका फ़ोन जैसी कोई चीज़ रखने के लिए यहाँ पर आपके पास स्पेस है, नॉर्मल सारे फ़ोन आ जाएंगे। मेरा फ़ोन कुछ ज़्यादा ही मैंने बड़ा ले रखा है तो इसलिए नहीं आ रहा। भैया आप वाला फ़ोन रखो यहाँ पे ताकि जनता मुझे ये ना कहे। हाँ यस। अब भाई लोग मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर साइड है उधर जाता हूँ और एक एक करके आपको सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अब जैसे ही यहाँ से आप अंदर की तरफ देखते हो वैसे ही एक तो है ना, इसकी फ़ैन की थोड़ी सी स्पीड कम कर लेना, वैसे आपके पास यहाँ कभी स्पेस जैसा उस तरफ है वैसे का वैसा कुछ इस तरीके के इंटीरियर में आपके डोर पैनल पे डिज़ाइन। और उसी के साथ में बहुत सारा स्पेस जिसमें छोटी मोटी आप वाटर बॉटल्स रख सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट चीज़ें रख सकते हो। और चौथे स्पीकर, मतलब चारों स्पीकर में से जो इधर का स्पीकर है उसकी कुछ इस तरीके की ग्रिल का एलिमेंट, अच्छे प्लास्टिक की क्वालिटी। और साथ के अंदर यहाँ पर आपके ORVM एडजस्ट और फोल्ड करने का बटन, तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से आपका ORVM फोल्ड कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है ट्रैफिक में। साथ के अंदर आप इलेक्ट्रिकली ERVM जो ORVM है उसको एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही के अंदर आपके पास में वन टच पावर विंडो मिलती है ड्राइवर साइड और बाकी सारी की सारी मैनुअल मिलती है। साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारे पास में जो फ्यूल टैंक का जो लिड है उसको ओपन करने के लिए बटन है, यहाँ से आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। भाई साहब क्वालिटी वाइज ह्यूंडई सही में बहुत अच्छा गेम करती है। यहाँ पर ना अगर कोई नॉर्मल बटन होता है ना तो बिल्कुल खड़ा बटन होता, मगर इसके नीचे भी अंगुली लगाने के लिए आपके पास जगह है। सेम टाइम पर गाड़ी के अंदर आपको जो ड्राइवर सीट मिलती है वो आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ऊपर और नीचे आप ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, कम हाइट का भी बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। हल्का सा आप SUV-ish तरीके से गाड़ी में बैठ रहे होते हो। साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारे पास फ्यूज़ बॉक्स हो गया, आगे की तरफ से स्लाइड करने का इस तरीके से मैकेनिज्म हो गया। और गाइज आप इधर नोटिस करोगे कि यहाँ पर भी आपका बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एलिमेंट आपका एड ऑन है। सो यहाँ पर ना एक डिज़ाइन एलिमेंट है इधर भी और उस तरफ भी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी नीचे से जो पैडल वगैरह वाली जगह है वो दिख रही होती है। और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास इंजन बे हम ओपन कर लेते हैं जिसके लिए यहाँ बटन है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में हेडलाइट लेवलाइजर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। और उसी के साथ में अगर आपको रियर व्यू कैमरा का व्यू देखना है तो आप यहाँ से व्यू भी देख सकते हो। साथ ही के अंदर इस गाड़ी में आपको हम बंद कर लेते हैं, साथ ही के अंदर इस गाड़ी में आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट का बटन मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छी डिज़ाइन एलिमेंट, अच्छी सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है। कुछ इस तरीके से आपके पास में डुअल स्क्रीन्स मिल रही होती है,
स्टेयरिंग जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आपका स्टेयरिंग है, जिसमें ह्यूंडई का बीचों बीच आपके पास में लोगो मिलता है, और साथ के अंदर मिलता है आपको इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल। सो गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल अब मिलने लग गया, जिसकी वजह से आप जब इस गाड़ी को अब मिलने लग गया मतलब इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा होता है, जिसकी वजह से अगर आप लंबे रास्ते जब जा रहे होते हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हो। आराम से क्रूज कंट्रोल सेट करा और आपका काम हो गया। साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास में जो स्टेयरिंग है उसके पास में टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक नहीं है, पर इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको अगर टेलीस्कोपिक दे देते तो भाई साहब हम धन्य हो जाते आप लोगों के। बट फिर भी ह्यूंडई ने जो करा इस प्राइस ब्रैकेट में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई भी आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों के दोनों स्टेयरिंग देते। साथ के अंदर आपके पास में गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर का कापा सीरीज का पेट्रोल इंजन है। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि 1.2 लीटर का जो कापा इंजन है वो आपको बाय फ्यूल में भी मिल रहा होता है। सो भाई लोगों, जहाँ पर भी सीएनजी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों में चला सकते हो। और बताते हैं आपको क्या क्या स्पेशल है गाड़ी के अंदर। आपको 5+1 गियर का ऑप्शन मिल रहा होता है, साथ ही के अंदर AMT ट्रांसमिशन मिल रहा होता है। दोनों चीज़ें आपको हम दिखा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। सेंटर में आपके पास एयरबैग की ब्रांडिंग और उसके साथ में आपका स्टेयरिंग रैब। राइट हैंड साइड हमारे क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड आपके सारे के सारे मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास में लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इस गाड़ी में मिलती है आपको ऑटो हेडलैम्प। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, अभी वो भी दिखाएंगे आपको, इस गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं। और इस तरफ आपके पास में फ्रंट और रियर जो वाइपर है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब गाइज, इसके अलावा एक्सटर में और क्या क्या मिलता है, तो और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। 8 इंच की आपको यहाँ पर स्क्रीन मिलती है, और 4.2 इंच की आपको MID मिलती है। स्क्रीन के अंदर आपको नेविगेशन बिल्ट मिल रहा होता है, सो यहाँ पर आपके पास नेविगेशन मिल जाता है। और उसी के साथ के अंदर जो रियर कैमरा है उसका कुछ इस तरीके का आपके पास में व्यू है। जब आप स्टेयरिंग घुमाते हो तो ये जो लाइन्स हैं ये भी आपकी इधर उधर मूव कर रही होती है। अलग से अगर आप मुझे बोलोगे तो जो स्क्रीन है इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। यहाँ पर हमारे पास डेडिकेटेड बटन है, मतलब फिजिकल टच में बटन है, जिसकी वजह से जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो आसानी से एक बटन दबाकर आप डायरेक्ट मेन्यू में पहुंच सकते हो। मतलब पूरी तरह टच होना थोड़ा सा ऑड एक्सपीरियंस हो जाता है। और उसी के साथ यहां पर आपके पास में दो इस तरीके के नॉब मिल जाते हैं, और पियानो ब्लैक के अंदर ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड पे ये जो फ्रेम है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। सेंटर में हमारे पास हैजर्ड लाइट का स्विच आ जाता है, और उसी के साथ में कुछ इस तरीके की आपकी सेंटर की एसी वेंट मिल जाती है। हालांकि पीछे भी आपके पास एसी वेंट है, उसी के नीचे की तरफ आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। सो जिस बीचों बीच आपके पास में यहाँ पर पूरी तरह जो डिजिटल है उसके अंदर आपको दिख रहा होता है कि फैन स्पीड कहाँ है, आप हवा का थ्रो कहाँ जा रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। साथ के अंदर आपके पास में यहाँ पर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, और इधर की तरफ ब्लोअर की आपके पास स्पीड का जो रेगुलेटर है वो मिल जाता है। उसके नीचे की तरफ आपके पास कुछ और छुटकू से बटन मिलते हैं, जैसे कि सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए बाहर, मोड कहाँ पर चाहिए, फ्रंट या रियर डिफॉगर ऑन करना है या एसी ऑफ करना है। स्पेशल क्या है? स्पेशल है नीचे की तरफ, तो जैसे ही आप नीचे की तरफ इसमें देख रहे होते हो वैसे ही आपके पास में यहाँ पर एक USB पोर्ट और सी टाइप पोर्ट मिलता है। सो भाई लोगों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब ह्यूंडई पीछे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आगे की तरफ जो आपने पोर्ट दिए ना ये मुझे अच्छे लगे। और उसके साथ में एक यहाँ पर आपके पास में 12 वोल्ट के सॉकेट को लगाकर, और यहाँ पर आपके पास में एक और USB पोर्ट मिल जाता है, जिसके साथ मिलता है आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर। सो आप समझ रहे हो ना, आज के टाइम सारे फ़ोन हो चुके हैं वायरलेस। सो आप आराम से आपका जो फ़ोन है वो आराम बिना मतलब केबल वेबल लगाए आप चार्ज कर सकते हो। ये तो रहे यहाँ की बातें, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे के सीधे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ। भाई लोग, जैसे ही हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आए वैसे ही चेंज क्या हुआ है? सबसे पहले गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पैडल शिफ्टर मिलते हैं, तो ये सिर्फ वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए नहीं है। सो यस, गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर मिल रहे होते हैं। उसी के साथ में कुछ इस तरीके से दिखने वाला आपके पास गियर नॉब, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर आपके पास गियर नॉब है। रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही के अंदर आप इसको ऐसे पकड़ के मैनुअल में प्लस और माइनस करके भी गियर डाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपके पास में यहाँ पर गियर नॉब है, पैडल शिफ्टर है, और ऊपर की तरफ हमारे पास में जो IRVM है वो कुछ इस तरीके का आपका दिख रहा होता है। मैनुअल आपका IRVM है, कोई ऑटो नहीं है यहाँ पे। मतलब कुछ इस तरीके के बटन ऐसे लगते हैं कि ऑटो, और इसमें आपको SOS, साथ के अंदर अगर आपको रोड असिस्टेंस चाहिए हो तो वो, और यहाँ पर ब्लू लिंक जो है इसके लिए आपके पास में डेडिकेटेड बटन मिल जाते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास डुअल डैश कैम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वेन्यू एनलाइन में सबसे पहले मैंने डुअल डैश कैम देखा था, अंदर और बाहर दोनों तरफ रिकॉर्ड कर रहा होता है ऑडियो प्लस वीडियो। आप अगर बोलोगे तो
डेडिकेटेड इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, मगर ये चीज बहुत अच्छी है। ऊपर की तरफ जब आप देखते हो तो गाड़ी के अंदर आपको कुछ इस तरीके के सनशेड दिखते हैं। इस गाड़ी के अलावा मैंने इतना बड़ा सनशेड किसी भी गाड़ी में नहीं देखा साइज के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत सनशेड है। मगर सिर्फ एक छोटी सी कमी मुझे लगती है, मतलब ज्यादा बड़ी कमी नहीं है, छोटी सी ये कि इतना सा जो आपका पार्ट है ना बच जाता है। सो आई विश ब्रांड को ना बाकी सारी चीजों की तरह ये भी हर ब्रांड को, मतलब ये नहीं कह रहा कि हुंडई ने करा है, बाकी सारी ब्रांड्स ने भी ऐसा करते हैं, बहुत कम कार्स हैं जिसमें ये एक्सटेंड हो, मगर अगर हो तो भाई साहब हम राजस्थान वाले लोग हैं ना ये आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे। अब जो आपका इस तरफ वाला जो सनशेड है इसमें आपको यहाँ वैनिटी मिरर मिल जाता है जो कि एक अच्छी चीज़ है। साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में आगे की तरफ येल्लो बेस रीडिंग लैम्प मिल जाते हैं, और उसी के साथ में मिल जाता है सनरूफ। सो यस, इस गाड़ी में सनरूफ है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब जैसे आप इस बटन को टैप करते हो वैसे ही घनघोर गर्मी सनरूफ आपकी खुल जाती है। हम इसको और पीछे कर लेते हैं। कुछ इतनी आपकी गाड़ी के अंदर सनरूफ खुल रही होती है। अगर आप इस बटन को वापस प्रेस करते हैं तो आपकी सनरूफ आगे चली जाती है। मैन्युअली आपको ये जो हुड है, मतलब ये जो कवर है, इसको लगाना पड़ेगा। राजस्थान की गर्मी में मुझे नहीं लगता सनरूफ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सेम टाइम पर जैसे आप इस बटन को यहाँ से टिप से प्रेस करते हो वैसे आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक पॉइंट बन जाता है, ताकि अंदर कोई स्मोक कर रहा हो या कैसी भी अंदर से जो गर्मी है वो इधर से बाहर निकल जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अंदर की तरफ बाकी सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब इस गाड़ी से जैसे हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। साथ के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑटोमेटिक है, जैसे ही आप कोई भी एक्स्ट्रा देखोगे वैसे ही आपको यहाँ पे स्मार्ट ऑटो की बैजिंग देखने को मिलेगी। ये रही हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और कुछ इस तरीके की आपकी गाड़ी दिख रही होती है। अब हम चलते हैं वापस हमारी मैनुअल ट्रांसमिशन में और बात करते हैं कि और क्या क्या स्पेशल है ह्यूंडई एक्स्ट्रा के अंदर। अब भाई लोग हम फिर से मैनुअल कार के अंदर आ चुके हैं। 10+2 आपको यहाँ पर गाड़ी में लैंग्वेजेस मिलती है, जिसमें आप इसको जो कहते हैं ना अपने हिसाब से जो आपको लैंग्वेज चाहिए वो आप इंफोटेनमेंट में एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही के अंदर यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन है वो आपके सारे के सारे फंक्शनैलिटी दिखा रही होती है, जैसे कि इधर की तरफ RPM, स्पीड, और उसी के साथ में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी आपकी दिखा रही होती है। नेविगेशन जो कंपास आता है वो भी आपका दिखा रही होती है। सो देखा जाए तो गाड़ी में ट्रिप क्या माइलेज आ रहा है और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं TPMS जैसे, वो सारे के सारे आपके यहाँ पूरे हो जाते हैं। साथ ही के अंदर इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल जो वॉइस असिस्टेंस है उसका फंक्शन है। एक मिनट रुको, ओपन द सनरूफ। सो भाई लोगों, कुछ इस तरीके से आप सनरूफ ओपन कर सकते हो, और क्लोज द सनरूफ। तो इस तरीके से आप सनरूफ को क्लोज भी कर सकते हो। गाड़ी जो है इसका हमने बेसिक सारा का सारा एक्सपीरियंस कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इंजन, मतलब सबसे लास्ट में इंजन, और उसके साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। अब देखो, मैंने आगे का बोनट ओपन करा था ना, तो जैसे आप यहाँ देखोगे ना वैसे ही आपको यहाँ पर अलग से लिखा हुआ दिख रहा होता है गाड़ी के अंदर कि फ्रंट का जो बोनट है वो ओपन हो रखा है बीच बीच के अंदर। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक तो ना मैं गाड़ी की आवाज़ सुनाता हूँ। तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो ना, तो आप ये देखो गाड़ी में कोई नॉइज़ नहीं है। ये पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बल्कि आस पड़ोस की ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। अब जैसे ही हम इंजन की बात करते हैं, हम क्या इंजन ओपन कर लेते हैं, तो गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर का 1.2 लीटर कापा इंजन आता है, पेट्रोल प्लस बाई फ्यूल के अंदर। बहुत ही ज़्यादा क्लीन इंजन भी आपको मिल रही होती है, और साथ के अंदर गाड़ी के अंदर जितने भी आपके फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल रहे होते हैं, जैसे व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, EBD, 6 एयरबैग, और उसके साथ में गाड़ी में बहुत अच्छी ब्रेकिंग। अब बाकी तो हमने एक बार तो गाड़ी को चला लिया, अब इस गाड़ी को जब हम एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद में और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जाइएगा मत, अभी बोनस थोड़ा सा बाकी है। हम इस गाड़ी को हल्के से अंधेरे में लेकर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं गाड़ी की लाइट्स की उनका हल्का सा डार्क के अंदर कैसी रोशनी है। सो भाई लोगों, सबसे पहले देखो आप कैमरा की क्वालिटी आपको दिख रही है, अच्छी खासी आपकी कैमरा की विजिबिलिटी, और साथ ही के अंदर हम इसको रिवर्स लगाते हैं, साथ ही के अंदर आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी और साथ में जो लाइंस हैं आपका सपोर्ट कर रही होती है। सब कुछ गाड़ी के अंदर जितनी भी बटन्स हैं वो सारे के सारे ग्लो कर रहे होते हैं, ताकि आप रात को चलाओ तो आपको परेशानी ना हो। सेम टाइम पर गाड़ी के अंदर जो फ्रंट वाले फुटस्टेप्स हैं यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही ज़्यादा
ट्रिपी और खूबसूरत लाइट देखने को मिलेगी। दोनों तरफ आप देख रहे हो, दोनों तरफ आपको लाइट देखने को मिलेगी जो कि मतलब एम्बियंट लाइट जैसी की जैसी आपको फील दे रही होती है। और यहाँ पर भी आपके पास में बहुत अच्छी रोशनी है जो कि एक मुझे बहुत अच्छा फैक्टर लगा कि अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ और अगर मेरी अच्छी खासी, ओ भाई साहब, जैसे मैंने हैंड ब्रेक लगाया वैसे वो लाइट जो है वो ग्लो करनी बंद हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं गाड़ी की सारी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ और ताकि आप लोगों को अच्छी तरह सारी की सारी लाइट्स की रोशनी देखने को मिले। भैया आप एक काम करो, आप मेरी जगह पर आ जाओ ताकि आप आराम से ना यहाँ पर खड़े होकर, मैं हैंड ब्रेक लगा देता हूँ। अब देखो गाइस, जैसे ही दोनों दरवाजे खुले ना वैसे ही आगे वाली स्क्रीन में भी दिख रहा है और जिन लाइटों की हम बात कर रहे थे यहाँ से आपको अच्छी खासी रोशनी मिल रही होती है नीचे की तरफ। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी की लाइट्स। सो गाड़ी में जो इंडिकेटर है, भैया आप अंदर आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कुछ इस तरीके के इंडिकेटर की रोशनी है। जो फ्रंट वाली जो आपकी लाइट है इसमें एक कुछ इस तरीके की आपकी हैलोजन लाइट की रोशनी है, साथ के अंदर कुछ ऐसी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको DRL देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ प्रोजेक्टर हैलोजन जो हमारे पास लैंप है उसका कुछ इस तरीके का थ्रो है। मैं फ्रंट से इस गाड़ी को आप लोगों को दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके की गाड़ी की लाइटों की रोशनी आपको रात को देखने को मिलेगी और मुझे जो मुझे पर्सनली बताओ ना तो मुझे बहुत डिसेंट अच्छी रोशनी आपको देखने को मिल रही है। साथ के अंदर पीछे की तरफ भी हमारे पास कुछ LED, ये शायद LED होगी। तो यहाँ पर ये जो H है जैसे एलिमेंट आगे, वैसे का वैसा पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है। भैया एक बार ब्रेक लगाना आप, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है उसकी भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। कुछ इस तरीके की गाड़ी में आपको रोशनी मिल रही होती है। अब हम चलते हैं वापस बाहर और वीडियो को एंड करते हैं। सो भाई लोगों, वीडियो बना चुके हैं हम पूरा का पूरा Hyundai Exter के ऊपर। ये तो रहा वॉक अराउंड, अब दो वीडियो और बच रहे हैं मिनिमम, और आप चाहें तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं। तो अब जो अगला वीडियो होगा वो होगा एक तो ड्राइव एक्सपीरियंस का और साथ में क्या कीमत है इस पॉइंट के ऊपर। सेम टाइम पर एक होगा इसकी स्क्रीन और स्क्रीन के साथ में जो डैश कैम है उसकी सेटिंग के ऊपर, तो अलग से एक पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे। अब हमें इजाज़त दो, वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पर अगर आपको Hyundai की किसी भी कार का एक्सपीरियंस लेना हो तो जयपुर में रोशन मोटर्स का आउटलेट है, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे एड्रेस डाल दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करो, घर पे भी टेस्ट ड्राइव लेने आओ और शोरूम आकर भी एक्सपीरियंस लो। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। चलिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में, तब तक बाय बाय।